आर्थिक राजधानी मुंबई के बांद्रा पूर्व इलाके में बीती रात बहरामपाड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक चार मंजिली इमारत का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर पड़ा और इस हादसे में एक 28 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा देर रात तकरीबन 2 बजे के आसपास का है, जब रज्जाक चाल के लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक इमारत का कुछ हिस्सा गिर पड़ा। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक जीशान सिद्दीकी ने घटनास्थल का दौरा किया, जहां पहले से पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी थी। आनन फानन में सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि देर रात मुंबई में बारिश हो रही थी, जिसके चलते मलबा हटाने में फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे में मरने वाले युवक का नाम रियाज अहमद बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास है। बताया जाता है कि हादसे के तत्काल बाद बुरी तरह से घायल रियाज अहमद को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन इलाज से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल बारिश के कारण कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए इलाके के घरों की बिजली सेवा खंडित कर दी गई है। करीबन 1:30 बजे हादसा हुआ है। जैसे हादसा हुआ मुझे भी फोन आया, फायर ब्रिगेड भी इधर पहुंची, पुलिस भी पहुंची। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक यंग लड़का अपने 20s में होएगा, 26-27 साल का, उसकी मृत्यु हो गई है। लड़का बिहार से रियाज करते उसका नाम है। उसके परिवार वालों से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर रात के 4:30-5 बजे इसीलिए उसके फैमिली से अभी संपर्क नहीं हो पा रही है। मगर एक घर के गिरने की वजह से आजू बाजू जो 3-4 घर थे उन पर भी मलबा गया है, और अभी इतनी बारिश में मलबा पड़ा हुआ है और फायर ब्रिगेड और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है सब लगी हुई है। लोकल लोग भी हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। हम सब मलबा निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही दुआ और प्रार्थना करते हैं कि कोई मलबे के अंदर अटका ना हो और सबको रेस्क्यू तो किया गया है।